Hello everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Today we will do the exercise of chapter 12, keeping safe. So our today's topic is true or false and choose the correct option. True or false, W-E-V-S-H-O-U-L-D, should be C-A-R-E-F-U-L, careful, to A-V-O-I-D, avoid, A-C-C-I-D-E-N-T-S, accidents. We should be careful to avoid accident. हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए केयरफुल रहना चाहिए. यस, स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. तो वी विल राइट हियर ट्रू. डब्ल्यू ई वी एस एच ओ यू एल डी सूड नॉट ओ बी ई वाई ओबे ई आर ए डबल एफ आई सी ट्रैफिक आर यू एल ई एस रूल्स. वी शुड नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करना चाहिए. फॉल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए. सो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. अब ये सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है. सो वी शुड ओबे ओ बी ई वाई ओबे टी आर ए डबल एफ आई सी ट्रैफिक रूल्स आर यू एल ई एस rules. We should not obey traffic rules. So should not में से not को हमें remove कर देना, क्योंकि हमें traffic rules का पालन करना चाहिए. Traffic rules को हमें follow करना चाहिए. We should board a moving bus. हमें चलती हुई बस में चढ़ जाना चाहिए. No, ये भी wrong है. So statement क्या होगा? False. अब statement correct कैसे करना है? We should board a moving bus. तो हम कैसे करेंगे? We should not, हमें मूविंग बस में बोर्ड नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बोर्ड आ मूविंग बस. वी शुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड. हमें प्ले ग्राउंड में प्ले करना चाहिए. यस, स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन. हमें अकेले स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए. यस, हमें किसी एडल्ट को साथ में लेकर जाना चाहिए. सो स्टेटमेंट ट्रू. टी आर टू ई ट्रू. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें टू ऑप्शन है, वन हमें इसमें से चूज करना है. ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज डब्ल्यू ए एल के वॉक ऑन द आर ओ ए डी रोड एट डबल ओ टी पी ए टी एच फुटपाथ. Always walk on the road या footpath. Yes, footpath. Road पे हमें walk नहीं करना चाहिए, इससे accident हो सकता है. हमें कहाँ walk करना चाहिए? Footpath पर. She R O W S cross the R O A D road at the Z E B R A zebra. She R O W S I N G crossing या T U R N I N G turning. हमें रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से या टर्निंग से? यस, जेब्रा क्रॉसिंग से. शो अंडरलाइन जेब्रा क्रॉसिंग. इट इज एस ए एल ई सेफ टू प्ले विथ टी ओ वाई एस टॉयज या एफ आई आर ई फायर. किससे प्ले करना सेफ होता है? टॉयज से प्ले करना सेफ होता है कि फायर से? यस, टॉयज से. फायर से हम प्ले करेंगे तो हम जल जाएंगे, है ना? इसलिए हम किससे सेफ होता है? इट इज सेफ टू प्ले विथ टॉयज नॉट फायर. पी एल ए वाई प्ले इन द के आई टी सी एच ई एन किचन और पी एल ए वाई प्ले जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड प्ले ग्राउंड. प्ले इन द किचन या प्ले ग्राउंड? यस, प्ले ग्राउंड. सो अंडरलाइन द प्ले ग्राउंड. किचन में हमें नहीं खेलना चाहिए, बल्कि कहाँ खेलना चाहिए? प्ले ग्राउंड. इस तरह से सारे आंसर्स राइट करने के बाद सबको अच्छी तरह से लर्निंग कर लेना है. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.